आईपीएल से बाहर हुई आरसीबी, एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने हराया, हाथ को आया आरसीबी ने मुंह न लगाया। जी हां, आईपीएल सीजन 17 के लिए एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने न सिर्फ आरसीबी को हरा दिया है बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच में आरसीबी का लगातार पिछले 6 मैचों से जीत का जो सफर चला रहा था हार के साथ खत्म हुआ और पिछले 17 सालों से जो आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का ख्वाब है आरसीबी के फैंस का, एक साल और बढ़ चुका है। मैच में टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीता और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 172 रन जरूर बनाए। कहीं न कहीं उसे गलत एम्पायरिंग का भी थोड़ा फायदा मिला, लेकिन इसे 173 रनों के स्कोर को आरसीबी के गेंदबाज डिफेंड नहीं कर पाए और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही उसकी औसत गेंदबाजी और बेहद खराब फील्डिंग। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को मैच में कई मौके मिले और इसके लिए आरसीबी के फील्डर्स को जिम्मेदार माना जा सकता है। बात करें राजस्थान रॉयल्स की पारी की तो जीत के लिए मिले 173 रनों के जवाब में राजस्थान रॉयल्स कभी भी दबाव में नहीं लगी। यशस्वी जसपाल जहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए अहम मुकाबले में फॉर्म में लौटे तो वहीं जॉस बटलर की जगह मैच में खेल रहे टॉम कोहलर कैडमोर ने भी 15 गेंदों पर 20 रनों की तूफानी पारी खेली। संजू सैमसन हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रियान पराग और सिमरन तमार ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से आरसीबी के जीत के अरमानों पर पानी फेर दिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का आगाज करने आए यशस्वी जायसवाल आज बेहद शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 45 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स को ठोस शुरुआत दी। हालांकि इससे पहले आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमराई नजर आई। विराट कोहली जहां सिर्फ 33 रन बनाकर आउट हो गए तो वही कप्तान फैफ डुप्लेसी भी 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उम्मीदें कैमरून ग्रीन से थी लेकिन वो भी 27 रन बनाकर आउट हो गए। रजत पाटीदार ने 22 गेंदों पर 34 रन जरूर बनाए लेकिन उनकी भी पारी ज्यादा लंबी नहीं खींची। ऑस्ट्रेलियाई बिग्सो के नाम से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल मैच में बेहद निराश करने वाले बल्लेबाज रहे और पहली गेंद पर आर अश्विन के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे सफल रहे आवेश खान जिन्होंने 4 ओवरों में 44 रन खर्च कर 3 विकेट लिए तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 ओवरों में 19 रन पर 2 विकेट लिए। आपको बता दें अब राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई में होने वाले दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जिसके बाद इन दोनों के बीच मैच की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल के फाइनल में भिड़ेगी। आरसीबी की इस हार का सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं।